प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने इस वीडियो में भारतेंदु युग की काव्यधारा पर ध्यान करेंगे। देखिए इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। समग्र हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुशीलन करने के लिए जो चार युग स्वीकार किए गए हैं उनमें आधुनिक युग का विशेष महत्व है। इस आधुनिक युग में ही हिंदी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ है और कई नवीन विधाओं में प्रचुर साहित्य रचा गया है। हिंदी खड़ी बोली के गद्यात्मक विकास का परिनिष्ठित स्वरूप इसी युग की देन है। प्रवर्त्यात्मक विकास की दृष्टि से आधुनिक युग में हिंदी काव्यधारा का जो उत्कर्ष हुआ उसे हम तीन उपकालों या युगों में बांट सकते हैं। पहला है पूर्व छायावाद युग, जिसे हम भारतेंदु युग भी कह सकते हैं। दूसरा है छायावाद युग, इसे हम द्विवेदी युग के साथ भी जोड़ सकते हैं। और तीसरा है उत्तर छायावाद युग अर्थात वर्तमान काल। पूर्व छायावाद युग में बहुधा जिन प्रवृत्तियों का आगमन भारतेंदु काल में होता है, द्विवेदी काल में वे पल्लवित और विकसित होती हैं और कदाचित उन्हीं प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया में छायावाद का उदय होता है। छायावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर छायावाद युग में नूतन प्रवृत्तियों का उदय होता है। अतः आधुनिक हिंदी कविता के प्रवर्त्यात्मक विकास में छायावाद एक प्रकार से केंद्र बिंदु का काम करता है। पूर्व छायावाद युग भारतेंदु युग, इस काल में जहां कविता संबंधी नवीन विषयों को अपनाया जाने लगा, वहां काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष की पुरानी परंपराओं को भी पूर्णतया संरक्षण दिया गया। इस समय के लेखकों की स्वभावगत सामंजस्यता, जो कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की उपस्थिति कविता के क्षेत्र में प्रतिफलित हुई। इस युग के साहित्यकार कवि की अपेक्षा समाज सुधारक, प्रचारक एवं पत्रकार अधिक थे, इसलिए इन्होंने सामयिक प्रश्नों और समस्याओं के प्रति अपनी जागरूकता प्रदर्शित की। भारतेंदुकालीन कविता के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाकृष्ण दत्त और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का नाम उल्लेखनीय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने भारत दुर्दशा और नील देवी नामक नाटकों के गीतों में तथा अन्य स्वतंत्र कविताओं में भारत की दीनहीन दशा का वर्णन किया है और वो कहते हैं, आवहु सब मिली रोहु भाई, भारत की दुर्दशा न देखी जाए। इनकी कविता में कहीं देश के अतीत गौरव की गर्व गाथा, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभकारी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता, कहीं भक्ति के पद, कहीं श्रृंगार रस के कवित और सवैये, कहीं उपदेश और सूक्तियां, तो कहीं उत्सव वर्णन किया गया है। भारतेंदु ने हिंदी कविता को नवीन विषयों की ओर अग्रसर किया, किंतु उसमें नवीन प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। प्रकृति वर्णन के प्रसंगों में उनका मन जितना अधिक रमा है, उतनी उनमें प्रकृति के सहज सौष्ठव की झांकी कम मिलती है। मिश्र और प्रेमधन, इन्होंने अपने समकालीन कवियों से विषयों के अतिरिक्त विशेष उत्सवों और अवसरों पर आनंद प्रकट करने के लिए प्रशस्तियां लिखी। देश की राजनीतिक दशा, धार्मिक एवं सामाजिक दशा पर इन लोगों का ध्यान सदा बना रहा। यद्यपि इन पर ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों का दोष लगाया जाता है, परंतु ऐसी प्रशस्तियों में भी इन्होंने देश दशा का मार्मिकतापूर्ण वर्णन किया है, जिसमें कवि की निर्भीकता टपकती है और दूसरे इस युग में देशभक्ति व राजभक्ति को एक ही समझा जाता था, अतः इसमें उनका कोई दोष प्रतीत नहीं होता है। अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने नवीन और प्राचीन दोनों विषयों पर फुटकर कविताएं लिखी, जो कि उस समय की पत्र पत्रिकाओं में निकली, परंतु इन्हें इस दिशा में विशेष सफलता नहीं मिली। ठाकुर जगनमोहन सिंह, इन्होंने नवीन विषयों और स्थलों पर कविताएं न लिखकर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक दर्शनों के अनुकरण पर विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों का सुंदर वर्णन किया, परंतु उस समय हिंदी काव्य का ध्यान इस ओर नहीं गया। अब हम अगला बिंदु देखते हैं, भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषताएं।
आधुनिक युग में पुनर्जागरण की जनचेतना का प्रभाव भारतेंदु युगीन काव्य साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। भारतेंदुकालीन कविता का वर्ण्य विषय काफी विस्तृत है। एक और उसमें मुक्तकालीन एवं रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियां मुखरित हुई हैं, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति भी आकर्षण जागृत हुआ। यह जागरूकता भारतेंदुकालीन सभी कवियों में मिलती है। कविता ने सामंतवादी चारदीवारी से निकलकर जनजीवन का वर्णन किया और साथ ही अपने मूल्यवान अंगराग और आभरणों का तिरस्कार करके खुली हवा में सांस ली। राष्ट्रीय चेतना से अनुस्यूत इस काल के साहित्य की प्रमुख काव्यगत विशेषताएं तथा प्रवृत्तियों को हम इस प्रकार विभिन्न शीर्षकों में देख सकते हैं। पहला शीर्षक है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना का स्फुरण भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य में प्रबलता से हुआ। भारतेंदु जैसे कवियों को इस बात का बड़ा दुख था कि अंग्रेज भारत को परतंत्र बनाए हुए हैं, परंतु साथ ही हमारे धन को भी विदेश ले जा रहे हैं। और इस विषय में वो कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति खुआरी। इसी प्रकार अनेक कवियों का स्वाभिमान कभी प्राचीन गौरव के स्वर में मुखरित होने लगता है, तो दूसरी ओर कठोर दशा का एहसास भी दिखलाई पड़ता है। इसी काल में कवियों की कविता में जहां एक ओर प्रेम झलकता है, तो दूसरी ओर कुछ मात्रा में राजभक्ति भी दिखाई देती है। दूसरा शीर्षक है सामाजिक चेतना। इस काल में कवियों ने सामाजिक चेतना का भी उद्घोष किया। कविता के माध्यम से सामाजिक चेतना प्रबल रूप से प्रसारित हुई। लोगों ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया, बाल विवाह वृद्ध विवाह का विरोध हुआ। सामाजिक समस्याओं के प्रति सजग जागरूकता इस काल में दिखलाई पड़ती है। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा और अस्पृश्यता आदि को लेकर जो कविताएं लिखी गई, उनमें प्रतिपाद्य की नवीनता और सौहार्द की भावना ने जनमानस को अत्यधिक प्रभावित किया। इन समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए कवियों ने एक ओर सामाजिक परिवेश की विसंगतियों का चित्रण किया, तो दूसरी ओर रूढ़ियों से परित्राण पाने के लिए जनमानस को प्रेरित किया। भारतेंदु, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवियों की कविताओं में सुधारवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। भारतेंदु में यह दृष्टि काफी प्रबल थी और इसी तरह से वो सामाजिक विषमताओं के विषय में, विसंगतियों के विषय में अपनी एक कविता में कहते हैं, विधवा ब्याह निषेध कियो विविचार प्रचारियो, रोकी विलायत गमन कूप मंडूक बनायो, औरन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो, बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदुन घबराई। अगला शीर्षक है आर्थिक चेतना। इस काल के कवियों में प्रयुक्त आर्थिक चेतना का यहाँ उल्लेख आवश्यक है। रमेश चंद्र दत्त ने इस युग में अपनी विद्वतापूर्ण पुस्तकों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थनीति पर गंभीर प्रकाश डाला था। भारतीय अर्थव्यवस्था के बिखरते और टूटते रूप को पुनर्जीवित एवं सुदृढ़ बनाने की कामना से कवि ने स्वदेशी उद्योगों और वस्तुओं का प्रयोग करने पर बल दिया। भारतेंदु ने प्रबोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं तथा वस्त्रों के बहिष्कार की प्रेरणा ली। प्रताप नारायण मिश्र की एक कविता में यही तथ्य इस प्रकार से उल्लेखनीय है, देखिए, तब ही लख्यो जह रहो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटी हूं को तरसत, जहां आमन की गुठली अस बिरछन की छाले, ज्वार चून महमेली परवार ही पाले, नौन तेल लकड़ी घासू पर टिकस लगे, जहां चना चिरौंजी मोल मिले जह दीन प्रजा कहें। अगला शीर्षक है परंपरा निर्वाह का प्रेम। भारतेंदुकालीन कवियों को परंपरागत भावना के प्रति भी मोह था। इन परंपरागत भावनाओं को दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला रूप धार्मिक और भक्तिमूलक भावनाओं का है, तो दूसरा रूप रीतिकालीन भावनाओं का। धार्मिक अभिव्यक्ति में परंपरागत दृष्टिकोण ही रखा गया था। राम काव्य की अपेक्षा इस युग में कृष्ण विषयक रचनाएं अधिक लिखी गई। भारतेंदु स्वयं भी राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अतः उनके काव्य में मध्ययुगीन काव्य जैसी तन्मयता, सरलता,
तथा सख्य एवं विनय भाव की भक्ति अभिव्यक्त हुई है। एक उदाहरण देखते हैं। ब्रज के लता पता मोह की जय, गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भीजे, आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधानित पीजे। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी बात को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। भारतेंदु युगीन परिस्थितियों को देखेंगे, उनकी विशेषताओं को देखेंगे। धन्यवाद।